हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, बीच बीच में वीडियो नहीं आ पाती है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का, और जब जब मुझे टाइम मिलता है तब तब मैं वीडियो बना लेती हूं। तो दोस्तों, आप ये ना सोचिएगा कि वीडियो नहीं आएगी, वीडियो ज़रूर बनाऊँगी मैं, और आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टाइटल है शिया के बारे में 10 झूठ जो नफ़रत की वजह हैं। तो जो ये बयान कर रहे हैं उनका नाम है मुफ्ती फजल हमदर्द। तो दोस्तों, इनके चैनल का भी यही नाम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। झूठ जो हर सुन्नी को शिया के बारे में बताए जाते हैं, चाहे वो आम सुन्नी हो या ख़ास सुन्नी हो, यानी किसी मदरसे में पढ़ने वाला हो, दीनी तालीम या मज़हबी घराने से उसका ताल्लुक़ हो, या आम शख्स हो उसका ताल्लुक़ ना भी हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं हमारे अहले सुन्नत के अंदर, हमारे रिलेटेड्स में से, हमारे ख़ानदान में, कि जिनको दीन के बारे में कुछ मालूमात नहीं होती, उनको कुछ पता नहीं होता सिवाय नमाज रोज़ा के, कि भाई 5 टाइम नमाज पढ़नी है हलाल, इतना ही उनको मालूम होता है। लेकिन यानी जिनको दीन की गहराई का इल्म नहीं है, वो लोग भी जब बात उनसे आप कर रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि शिया के बारे में कि ये लोग तो ये क्यों काफिर है, वो आपको इसकी सारी वजूहात बता रहे होंगे। तो आपको सुन के बड़ी हैरत हो रही होगी। तो ऐसे लोगों के साथ जब मैं बैठा हूँ और अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब के अंदर, आम लोगों में, तो मैंने उनसे जो बातें सुनी हैं, मसलन एक शख्स से मैंने ये बात सुनी कि मैंने उससे कहा कि तुमने आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले वहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ से मैंने निकाल के दूसरे स्कूल में डाला। तो मैंने वजह पूछी कि उस स्कूल से क्यों निकाला आपने, तो उसने कहा कि वहाँ के जो प्रिंसिपल था ना वो शिया था। तो मैंने कहा तो क्या हुआ, तो कहने लगा कि नहीं, शिया तो ऐसे करते हैं, यानी शिया मुसलमान नहीं है। फिर उसकी बहुत सारी वजूहात उसने बताई। मैंने कहा आपको किसने बताया, तो फिर उसने कहा कि हमारे घर में जो कारी साहब आते हैं, तो कारी साहब ने बताया कि जी ये मुसलमान नहीं होते। तो इस तरह मैंने निकाल दी। तो ये जो सारी वो बातें हैं, उनमें उठने बैठने के बाद लोगों में जो आम लोगों के दिमाग में भरी जाती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिससे हम खुद भी गुजरे हैं और हमें भी बताई जाती रही हैं। ये चंद चीज़ें हैं जिनको मैंने शुमार किया है, तकरीबन 10, जिनको मैंने 10 झूठ का नाम दिया है। ये 10 बहाने कह लें या 10 झूठ कह लें, ये वो 10 चीज़ें हैं जो आम सुन्नी को बताई जाती है। सबसे पहली तो ये बात है, आप किसी भी शिया के बारे में पूछेंगे ना सुन्नी से, तो वो कहते हैं कि ये शिया लोग जो है ना, ये हज़रत अली को खुदा मानते हैं, यानी शिया लोग हज़रत अली को अल्लाह सुबहानहू व तआला से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद, हर एक से बढ़कर वो हज़रत अली को मानते हैं, गोया कि हज़रत अली की पूजा करते हैं माज़अल्लाह। ये बात बताई जाती है कि गोया शिया लोग वो अली को ही सब कुछ मानते हैं। सब कुछ से मुराद कि वो खुदा भी मानते हैं, अल्लाह भी मानते हैं, रब्बुल आलमीन वगैरह भी, ये एक आम तसव्वुर ज़हन में बिठाया जाता है। और इनसे पूछे कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि जी देखें, इनकी हर बात के अंदर या अली मदद लिखा होता है, या अली से मदद मांग रहे होते हैं। तो ये तसव्वुर देने की कोशिश की जाती है कि अली से मदद मांग रहे हैं, मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो ये अली को अल्लाह से बढ़ा देना हुआ। पहली बात तो ये है, ये वो झूठ है जो बोला जाता है। दूसरा जो है वो ये है कि जैसे आम तौर पर इनके जो अकायद के हवाले से, कि जी ये सुन्नी को जो है ना, वो किसी भी सुन्नी को मारना ये सवाब समझते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना, कोई भी शख्स सुन्नी हो तो उस, इन शिया की और सुन्नी की आपस में दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि भाई सुन्नियों के बारे में इनका यही ख्याल है कि इनको नुकसान पहुंचाओ, ये भी आमतौर पर झूठ बोला जाता है। तीसरे जो कहा जाता है वो ये है कि ये लोग शरबत में जो है, ये 10 मुहर्रम को जो शरबत वगैरह लगाते हैं, इसमें सबील वगैरह जो बनाते हैं, इसमें ये ऊँट, ये जो घोड़े वगैरह होते हैं जुलजना का, जो घोड़े की जो शबी बनाई जाती है इमाम हुसैन की घोड़े की, तो उसका भी पेशाब जो है इसके अंदर मिला देते हैं, और फिर ये लोगों को पिलाते हैं ताकि और लोग। अच्छा, मैंने इसका पूछा भी, मैंने जिन सुन्नी अहबाब ने मुझे ये बात बताई थी, तो मैंने उनसे पूछा भी कि आखिर अगर ये इस तरह से करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है इनको? तो कहते हैं जी ये इस तरह करते हैं, वो उस घोड़े का जो जो पिएगा ना, तो वो भी शिया हो जाएगा। मैंने कहा ये बड़ी आसान ट्रिक्स है भाई, यानी सिर्फ वो शरबत पीने से कोई शिया हो जाता है। सही बात है। तो एक तो ये झूठ,
ये लोग बोलते हैं, पर जब हमने करीब में देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने खुद भी फिर बनाना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी जो बात यह है वो ये है कि ये लोग घोड़े की पूजा करते हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाई जाती हैं कि जिसमें लोग जुलजना की ताज़ीम करते हैं और उसका वो फ़लसफ़ा है उनके यहाँ, लेकिन ये एक झूठ करके ये पेश किया जाता है कि जी ये लोग घोड़े की पूजा करते हैं। इसी तरह नंबर पाँच ये बात है कि ये लोग सहाबा को गालियाँ देते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं इनके जुलूसों में गया, और अभी जो रिसेंटली जो 10 मुहर्रम को कराची के अंदर आशूर का, जो पूरी दुनिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक जुलूस होता है उसको आप कह लें, उसके अंदर मैंने शिरकत की उस अज़ा के अंदर, और मैंने उसमें तकरीबन हम 8 बजे से आप अंदाज़ा लगा लें कि 2 बजे तक जो टाइम बनता है 9, 10, 11, 12 6 घंटे उसमें रहा, 5-6 घंटे उस वहाँ पे रहने के बावजूद तपती हुई धूप में, और उस तपिश उसके अंदर मैंने इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अली का जिक्र करते हुए इनको सुना, और कुछ नहीं कर रहे थे। किसी को गाली देना मैंने देखा ही नहीं इनको, और इन्हें मालूम कैसे, यानी कुछ लोग समझते होंगे कि भाई मेरे सामने नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पे इन्हें कौन रोकने वाला है, और एक दो बंदे तो होते नहीं, हजारों बंदे हैं। तो ये जो कहना है कि जी सहाबा को गाली देते हैं और ये गाली इबादत समझते हैं, ये भी एक किस्म का झूठ है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोगों के ऊपर, हजरात के ऊपर जैसे इनसे तनकीद करना या ना मानना वो एक अलग चीज़ है, वो इख्तलाफी मसाइल है, उस पर कोई कुरान और हदीस नहीं है, यानी कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें कि इख्तलाफ नहीं किया जा सकता या उनके हवाले से तनकीद नहीं की जा सकती। लेकिन गाली देने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इनके हवाले से, ये सरासर झूठ है जो हमारे आम सुन्नी लोगों के दिमाग में भरी जाती है बात, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो नफरत का सबब है। और मैं ये बात अपने अहले सुन्नत की तरफ से इसलिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हमारे साथ गुजरी वो बात मुझे कहने का हक है। ये तो मैं नहीं कर सकता कि जी शिया क्या करते हैं सुनियों के बारे में, ये काम उनके लोगों का है कि वो बताएं कि भाई हमारे बारे में उनके क्या झूठ बोले जाते हैं, अगर बोले जाते हैं तो ये वो बताएं। हाँ, मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि जो मैंने सुनी है चीज, ये बिल्कुल दयानतदारी नहीं होगी कि आप मुझसे ये भी मुतालबा करें कि जी ये भी बताऊं कि शिया हमारे बारे में क्या झूठ बोलते हैं। भाई बोलते होंगे अगर किसी ने बोला है, लेकिन हमारे जो हमारे जहनों में जो था, ये हमारी सोसाइटी और माशरे के अंदर अहलु सुन्ना के अंदर जो कुछ कहा जाता था, तो मैंने वो आज वो ये बयान कर रहा हूँ। इसी तरह ये शाम गरीबा के अंदर ये लोग बत्ती बुझा के, लाइटें बुझा के, मर्द औरत सब मिलकर जो है वो सब कुछ ऐसा कुछ काम बेहयाई के काम करते हैं, ये भी एक झूठ और मनगढ़ंत किस्म की बातें की जाती हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ जो है वो लाइव चल रहा होता है, हमने खुद लाइव देखा है टीवी के ऊपर, हर एक बंदा देख रहा होता है, वहाँ पर फौज रेंजर्स और पुलिस की सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, इनकी जो भी माम बारगाह होता है वहाँ शाम गरीबा हो रही होती है। तो ये झूठ एक सरासर जो है इस बारे में फैलाया गया शाम गरीबा के हवाले से। इसी तरह नंबर 7, इनको यानी ये बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा। मैंने बड़े बड़े उलमा जिनको कहा जाता है, मैंने उनको सुना उनकी स्पीचेस, वो चैलेंज करके कहते हैं कि जी इनको इनके बाप का नाम मालूम नहीं है, यानी इनके जाकिरीन के बारे में मुझे खुद बताया गया कि जाकिर जो शाम गरीबा के अंदर जो माज अल्लाह जो काम जो किया जाता है उसके बाद जो बच्चा पैदा होता है वो जाकिर बनता है। अस्तग़फिरुल्लाह, बेहयाई तक की जो है इंतहा कर दी है, बोहतान और इफ्तरा पर दराजी की, ये जो झूठ बोले जा रहे हैं, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारे यहाँ ये झूठ बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग ये जो नफरत होती है वैसे ही हो जाती है, लोग वैसे ही नफरत करते हैं, भाई इसको बड़े तरीके के साथ नफरत की तरफ लोगों को लेके आया जाता है। और आज हमें अहद करना होगा अल्लाह सुबहानहू व तआला से कि हम किसी की बात को सुनकर अंधाधुंध उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे कि जी हमें हमारे मौलवी साहब ने बता दिया, कारी साहब ने बता दिया, मौलवी साहब ने, और हम उसके ऊपर अंधाधुंध अमल करेंगे कि शिया ऐसे ये काम करते हैं। नहीं, अल्लाह से हमने वादा करना है, अल्लाह हमने तुझे जवाब देना है, परवरदिगार तुझे जवाब देना है। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी मुफ्ती हमदर्द तू शिया है, यार अगर मुझे शिया होना होता तो आप मुझे रोक सकते थे, मना कर सकते हो, मैं देवबंदी हुआ, देवबंद के मदरसे में पढ़ा, बरेलवी हुआ, आपसे पूछ कर हुआ मैं, अगर मेरे शिया होना होता या मैं शिया होता तो मैं सियाह लिबास पहनकर किसी मजलिस के मजलिस क्यों ना पढ़ रहा होता, मजलिस पढ़ना वैसे कुछ शिया होने की अलामत नहीं है, लेकिन मैं जाके छुरी चाकू लेके मातम क्यों ना करता भाई, अगर मैं शिया होता, आप रोक सकते हैं मुझे शिया होने से। अब मैं आपसे सच सही बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम जिस दिन मेरा दिल मुतमैन हुआ मैं ऐलान करूंगा कि मैं शिया हूँ। और शिया शियारे अली के माने में नहीं, जो मुरव्वज शिया है, फिका जाफरी है जिसको कहते हैं, मैं ऐलान कर दूंगा, क्या मैं आपसे खौफ खाता हूँ?
इतनी बातें करते हुए आपसे नहीं डरा, मैं तकफीरियों से नहीं खौफ खाया मैंने, लेकिन मैं क्या इस बात से खौफ खा जाऊंगा कि दुनिया क्या कहेगी कि जी मैं शिया हूं कि नहीं हूं। जिस दिन मैंने ऐलान करना हुआ ना, मैं कह दूंगा कि मैं शिया हूं, लेकिन जब मैं हूं नहीं तो मुझे आपकी बातों का फर्क नहीं, और नोटिस भी नहीं लेता हूं मैं आपकी बातों का। तो ये मतलब ये जो सारी जो बातें की जाती हैं ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। इसी तरह कहते हैं कि जी ये लोग तकिया करते हैं। अब तकिया जो है एक इस्तिलाह है, यानी तकिया करना, हमारे पास हम सुन्नी भी तकिया कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम तकिया नहीं करते, बहुत सारे मामलात के अंदर हम तकिया कर रहे होते हैं। तकिया एक शरी इस्तिलाह है, कुरान मजीद के अंदर है, जगह जगह पर हुक्म है। यानी हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, तफसीली मौजू है इंशाल्लाह, उस पर मैंने अलग से भी रिकॉर्ड किया हुआ है बिल्कुल तफसीली। तकिया आप लिखेंगे और यूट्यूब के ऊपर मेरा बयान उसके ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये बात करना कि जी हर बात के अंदर तकिया करते हैं, ये बात गलत है, दुरुस्त, ये झूठ बोला जाता है। इसी तरह ये कि नंबर नौ जो झूठ है वो ये है, ये लोग मातम इसलिए करते हैं कि इन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया। यानी आप किसी भी सुन्नी से पूछें कि जी ये लोग शिया लोग अपने आप मातम क्यों कर रहे होते हैं, गम क्यों मना रहे होते हैं, एक तो ये है जो जंजीर जनी करना, और एक ये है जो मसलन गम करना या सीना कोबी करना, मातम करना, आंसू बहाना। तो ये कहेंगे कि जी ये लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने इमाम हुसैन को बुला के शहीद किया था। वो यजीदों और उमवियों ने जो काम किए, जो हरकतें की, इनके बाप दादाओं ने, ये झूठ बोलने वालों के नासवियों के बाप दादाओं ने जो हरकतें की वो डाल दिए शियारे अली अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये भी एक किस्म का झूठ है कि जी ये लोग इसलिए करते हैं कि इन्होंने शहीद किया था। इसी तरह एक झूठ जो मैंने सुना है वो ये है कि इनका जो काबा है वो इराक के अंदर है। अब काबा जो है, यानी काबा से मुराद ये ताजीम का लफ्ज नहीं, काबा से मुराद बैतुल्ला मुराद लेते हैं। यानी हम ये कहते हैं ना कि जिस तरह यानी यूं मशहूर कर दिया है कि सुन्नी हज बैतुल्ला जाके करते हैं मस्जिद हराम में, ठीक है, मक्का के अंदर, सऊदी अरब कह दे वहां जाके करते हैं, और ये शिया लोग इराक जाके हज करते हैं, शिया लोग इराक जाके हज करते हैं। देखें सवाब का जो बयान है, जो अरबईन वगैरह की ज्यारात है या आशूर के दिन जाते हैं, सवाब का मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो उनके यहां इसका तसव्वुर मौजूद नहीं है कि वो इसका सवाब है या नहीं है। यानी जो हज जो शराई फरीजा है, जो कुरान मजीद के अंदर जो बयान है, ठीक है, वलिल्लाही अलन्नासी हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, ये वाला जो हज है ये इस बारे में कहा जाता है कि शिया लोग ये भी करबला में करते हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये वाला हज यानी जो शराई फरीजा है, जो हर साहिब इस्तेताअत शख्स के ऊपर, जिसके पास ज़्यादा राह का इस्तेताअत हो उसके ऊपर जो फर्ज है, जिस तरह नमाज रोज़ा है, वो वाला हज कहाँ पर है? मस्जिद हराम के अंदर, काबा के अंदर है। ये करबला और इराक के अंदर नहीं होता। हाँ, वहाँ पे जाने को ये सवाब ज़रूर समझते हैं, लेकिन ये हज नहीं है। तो बहरहाल ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई, ये वो आम चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इसलिए बताई जाती हैं ताकि शिया सुन्नी के दरमियान में आपस में नफरत हो और दोनों एक दूसरे से दूरी पैदा करें। और इसमें नफरत और इंतहा पसंद वाइजीन ने अहम किरदार अदा किया है, जाली पीरों ने, दो नंबर वाइजों ने, और दरस निज़ामी फेल खतीबों ने ये काम किया। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतीब कौन होता है सुन्नियों में? जो दरस निज़ामी के अंदर रासिब आता रहे, फेल होता रहे, वो बड़ा खतीब होता है। ये हमारे हम देखते रहे हैं, हम मुमताज माशरफ आते थे, लेकिन खिताबत के अंदर हमसे वो बंदा आगे होता था कि जो सबसे रासिब होता था, फेल होता था। तो जो फेल खतीब है, उन्होंने अपने नोट छापने के लिए हमारे अहले सुन्नत के अंदर ये किया कि शिया के खिलाफ नफरत आमेज चीजें, नफरत अंगेज चीजें फैलाती। ये वो 10 बातें आज मैं आपसे यकीन के साथ कहता हूं कि मेरे सुन्नी भाइयों के साथ, कि हमें इन चीजों के ऊपर भरोसा नहीं करना। जो भी शख्स, हत्ता मैं ही क्यों ना आपके सामने कोई बात कर रहा हूं, जाके उसको वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, खुद जाइए और देखिए। मैं तो कह रहा हूं अपने अपने सुन्नी बिरादरान से, मैं तो बड़े बड़े उलमा से कह रहा हूं, आप आइए आशूर में मेरे साथ जाइए, मैं लेके चलता हूं आपको। शाम गरीबा के बारे में आपके जहन में सवाल है, मैं आपको लेके चलता हूं, वहां बैठेंगे दोनों इंशाल्लाह, देखेंगे, और अगर कोई बात ऐसी नजर आई हम उसको उसी तरह से बयान कर देंगे।
लेकिन अल्लाह के लिए गवाही देनी है ना, मजहब और फिरके के लिए तो गवाही नहीं देंगे हम कि जी जो मेरा फिरका है फिरके वाला क्या नाराज। हिम्मत है किसी मौलवी के अंदर, देवबंदी या बरेलवी के अंदर, वो आए और वो चला जाए शाम गरीबा में कि जी हमें तो बताया जाता है कि ये लोग शाम गरीबा में इस तरह का काम, बेहयाई का काम करते हैं, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से जाकर देख लूं आया इस तरह है भी या नहीं। हिम्मत है किसी में करे इस तरह के, हिम्मत करके वो आए। और खुदा के लिए गवाही देना बहुत मुश्किल है, झूठ बोलना तो आसान होता है, लेकिन खुदा के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गवाही देना कि इंसान अपनी आंखों से जो चीज देखे उसको बयान करे। मेरी गुजारिश है कि हम सही बात बयान करें, दुरुस्त बात बयान करें, वरना रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कफा बिल मरई कज़िबन अन युहद्दिथ बिकुल मा समिआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतनी बात काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों बहुत अहम बातें बताई हैं इन्होंने, क्योंकि बिना जाने बिना पूरी जानकारी लिए दोस्तों उन बातों को फैलाना, उन बातों को आगे पहुंचाना, तो ये नफरत की वजह ही बनती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर के आसपास भी दो इमामबाड़े हैं और काफ़ी बड़े हैं माशाल्लाह, और उनमें भी मजलिस होती है, मतलब उन मजलिसों में कोई भी जा सकता है। हिंदू सुन्नी हो तो तुम नहीं जा सकते, हिंदू हो तो तुम नहीं जा सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे घर के आसपास भी शिया भाई लोग रहते हैं, और मेरे घर के पास, मेरे घर से थोड़ी दूर चल के मेरे पापा का घर है, तो मैं अपने पापा के घर जाती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा ठीक हो, एक खैरियत से हो, तो इतना अच्छा लगता है, मतलब इतनी प्यार से वो पूछते हैं। तो इंसान मतलब ऐसे गलत कैसे हो सकता है, वो भी तो इंसान ही है ना। तो जितना हो सके जब तक पूरी जानकारी ना हो तो उस चीज़ पर यकीन ना करें। जो इन्होंने शाम गरीबा की बात की, तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो पर रिएक्ट किया था, तो उसमें भी पूरी जानकारी उन्होंने दी थी कि शाम गरीबा में क्या होता है, मतलब वो सिर्फ सोग मनाते हैं और उस बात की इतनी बड़ी इशू मतलब बनाया हुआ है कि वो ये करते हैं वो करते हैं, और बहुत मतलब अश्लील बात उसको बना दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात होती है दोस्तों। तो बहुत नॉलेजफुल वीडियो था, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिनको जानकारी नहीं है उनको भी मालूम हो जाए, क्योंकि दोस्तों दुनिया में जीने का नाम प्यार मोहब्बत ही होता है। अगर हम प्यार मोहब्बत से जिएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी और दीन दुनिया भी अच्छी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो मेरे चैनल पर नए हैं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।